हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताही मधुर फल जानो, अर्थात जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैं क्यों आपको हर बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देता हूं? क्यों हर समस्या के समाधान के लिए मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ने को कहता हूं? क्योंकि हर मर्ज की एक ही दवा है, श्री हनुमान चालीसा। इसके फायदे सुनकर दंग रह जाएंगे आप। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम श्री हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है, तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करूंगा, जो कि हर बजरंग बली के भक्त को मालूम होनी जरूरी है। वो तीन पॉइंट्स है, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं, श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है सबसे प्रभावी और चमत्कारी, क्या है श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं? श्री हनुमान जी अत्यंत बलशाली है और वह किसी से नहीं डरते। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे, तो उन्होंने वहां शनि देव को उल्टा लटके देखा। कारण पूछने पर शनि देव ने बताया कि मैं शनि देव हूं और रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। तब हनुमान जी ने शनि देव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई। शनि देव ने श्री हनुमान जी से वर मांगने को कहा। श्री हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को आप अशुभ फल नहीं दोगे। और फिर शनि देव ने खुश होकर यह कहा था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तभी से शनिवार को श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। हम कभी ना कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफी श्री हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय श्री हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो भी इंसान श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसे बजरंग बली स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज से डर लगे, तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में श्री हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु, केतु, शनि हो या मंगल, हर तरह के ग्रह की बाधा या दोष का प्रभाव कम होता है। श्री हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर श्री हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान होनी ही चाहिए। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है सबसे प्रभावी और चमत्कारी? वैसे तो श्री हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी है, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो बहुत जल्द असर दिखाती है। ये चौपाइयां सर्वाधिक प्रचलित भी है।
आइए जानते हैं उन चौपाइयों के बारे में। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी श्री हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से उन्हें पवन सुत भी कहते हैं। महावीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यदि कोई व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों के कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंग बली महावीर है और हनुमान जी कुमति को निवारते हैं, यानी कुमति को दूर करते हैं, और सुमति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या चाहिए तो उसे इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हनुमान जी विद्यावान है और गुणवान है। श्री हनुमान जी चतुर भी है। वे सदैव श्री राम के काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे श्री हनुमान जी की ही तरह विद्या गुण चतुराई के साथ श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाए और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो श्री हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों और राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में श्री हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम सवर गए। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तब सभी औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब श्री हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। श्री हनुमान जी के इस कार्य से श्री राम अति प्रसन्न हुए। क्या है श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व? केवल श्री हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की प्रमुख स्तुतियों में 40 चौपाइयां ही होती है। विद्वानों के अनुसार चालीसा यानी संख्या 40 हमारे देवी देवताओं की स्तुतियों में 40 स्तुतियां ही सम्मिलित की जाती है। जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि, इन स्तुतियों में 40 चौपाइयां ही क्यों होती है? इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्तुतियों में संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयां हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। इन 24 तत्वों में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 अंतकरण शामिल है। 16 संस्कार इस प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नपाशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवित संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। भगवान की इन स्तुतियों में हम उनमें इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही
चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान चालीसा से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।